श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो? श्याम बंसी बजाते हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ लव सिंह और हमेशा की तरह आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि नए स्टूडियो वाले हैं या म्यूज़िक में जो नए हैं, जिनको कॉर्ड बेस का नॉलेज नहीं है, आज मैं एक VST का ऐसा रिव्यू देने वाला हूँ जो कि आप ये VST यदि आपके पास रहेगा तो आप जो है म्यूज़िक को बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं, कॉर्ड बेस लगा सकते हैं, लूप्स बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे बीट मेकिंग भी कर सकते हैं, रिदम भी क्रिएशन कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का VST प्लगइन्स है। तो चलिए, इसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, चलिए मैं आपको यहाँ से शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मिक्स रिदम है, मैं आपको सुनाता हूँ। किसी भी तरह के मिक्स रिदम या किसी भी तरह के प्लगइन्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये मेरा हो गया। अब मैं ये देखिए सिंपली आपको वोकल सुनाता हूँ। श्याम बंसी बजाते हो, तो देख सकते हैं ये मैंने आपको दो लेयर सुना दी। इसके अंदर कोई कॉर्ड बेस अभी नहीं लगा गया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी कॉर्ड इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले प्लगइन्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास प्लगइन्स यहाँ पे है, एक प्लगइन्स मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसफ्यूसर, ठीक है, और बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त प्लगइन्स है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका इंटरफेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये जो है पावरफुल VST है, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्रम्स, लूप्स, बहुत सारे लूप्स, लीड वगैरह जो भी आप सोच रहे हैं बहुत सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। गिटार का लूप्स आपको जो भी चाहिए इसके अंदर मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस एक फोल्डर के अंदर इतना सारा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने स्केल में इसको बजा सकते हैं, अपने से एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका ज़बरदस्त फीचर इसके अंदर दिया गया है। तो फिलहाल मैं अभी कॉर्ड के ऊपर बात करता हूँ। तो चलिए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा। बेस लाइन वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर बना सकते हैं, लीड वगैरह सब कुछ है, ठीक है। काफ़ी पावरफुल VST है। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर पे आपको मिलेगा कॉर्ड प्रीसेट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉर्ड प्रीसेट पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे कॉर्ड आ जाएंगे। और इसका एक यही खासियत है कि आप जोन सा BPM यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ये इसी BPM में चिपक के बजेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पे एक देखता हूँ कि कोई अच्छा सा, मैं यहाँ पे सिंपली इसको डैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे डैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है, तो जिस तरह आप FL Studio या कोई भी DAW यूज़ करते हैं, जिस तरह बीट मैकिंग आप करते हैं, तो यहाँ से आप इसको बीट मैकिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका बीट मैकिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से आप इसको जितना आपको चाहिए 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो जो चाहिए आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। और चलिए, सबसे पहले हम इसको प्ले करते हैं और उसके साथ हम इसको प्ले करके देखेंगे कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम रिदम को प्ले करते हैं और यहाँ से इसको बजाते हैं। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो? श्याम बंसी बजाते हो, क्यों? तो देख सकते हैं मेरा ये बज रहा, देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉर्ड यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। तो आप इसी तरह से बहुत ही इजी प्रकार से आप कॉर्ड बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा प्रीसेट दिया गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको शो करेगा जो भी आप यहाँ पे कॉर्ड यूज़ करेंगे, तो ये देखिए कॉर्ड यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ठीक है। आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कम बेस ज़्यादा या हटा सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं दूसरा आपको बजा के सुनाता हूँ, थोड़ा सा ये वाला सुनते हैं, एक मिनट। तो चलिए, अब ये देखते हैं कि ये किस तरह इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए शुरू करते हैं।
श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। क्या तेरी यही है अदा। श्याम बंसी बजाते हो, बंसी बजाते हो, क्यों मुझे। तो चलिए मैच हो गया है, अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रैक लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ से प्ले करते हैं और हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर ये चिपक के बसता है नहीं, ठीक है। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। श्याम बंसी बजा। दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन नहीं किया कर पाया था, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। श्याम बंसी। सॉरी, सबसे पहले हमको कीबोर्ड यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। चलिए अब रिकॉर्ड करते हैं। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। देखते हैं रिकॉर्ड, वहाँ देखिए रिकॉर्ड। श्याम बंसी बज। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। तो इस तरह से आप कोड लगा सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा आपको यहाँ पर दिया गया है, आप किस कोई भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं, चलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे सताते हो। क्या तेरी यही है अदा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसका कुछ आपको लूप भी यहाँ पे सुना देता हूँ। देखिए इसका लूप मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें आपको ड्रम लूप सब कुछ मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है। ड्रम लूप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ड्रम लूप है और बहुत सारे ड्रम लूप से, देखिए श्याम बंसी बजाते हो, मुझे लुभाते हो। श्याम बंसी बजाते हो। आप इसके अंदर बीट भी मिक्स कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे म्यूजिक क्रिएशन कर सकते हैं इस वीएसटी के अंदर, देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आप सभी का यूज़ करेंगे तो आप इस वीएसटी को, हमको लगता है कि आपका फेवरेट हो जाएगा। बहुत सारे इसके अंदर टोन्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है कि
पैड वगैरह भी दिया है, बेस भी बना सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग लूप्स भी है। और बाकी ये VST काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो आप इसका यूज़ करके एक अच्छा आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको ये VST प्लगइन्स जो है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इस प्लगइन्स के बारे में पता चल गया होगा। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।